हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं GTA 5 गेम अगर आपके पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। लास्ट में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके GTA 5 गेम डाउनलोड कर लिया हो उसके बाद कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आप चालू भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके GTA 5 गेम चालू नहीं हो रहा है, GTA 5 गेम आपके पीसी या लैपटॉप में रन नहीं हो रहा है, तब भी आप कैसे आप रन कर सकते हो, वो भी अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैसे अपने GTA 5 गेम को अगर आपके पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और उसके पहले मैं आपको बता दूं GTA 5 गेम कैसे आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल साइट से 2024 में एकदम बेस्ट साइट से। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, टाइटल में क्लिक करके सिंपली आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने रॉकस्टार लॉन्चर साइट में अगर अपने आएंगे, यहां पर अपने जिस जीमेल आईडी से अपने GTA 5 गेम को परचेस किया हो उसी जीमेल आईडी का आईडी पासवर्ड सिंपली आपको यहां पर देना है और लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन में क्लिक करेंगे तो रॉकस्टार के होम पेज में ही आपको यहां पर GTA 5 गेम को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली दोस्तों जैसे अपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देता है, इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देता है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन पे जगह पे यहाँ पर ऐसे ही आपको इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो कैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये देखना पड़ेगा अपना फाइल पे जाके कौन सा डिस्क जो कि आपके यहाँ पर स्पेस फाका है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोग को ये उनको पता नहीं होता या तो चेकआउट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेकआउट करना है कौन सा डिस्क जो कि आपको फाका है, स्पेस ज्यादा है, तो कैसे उसी डिस्क को आपको सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट दोस्तों आप ज्यादातर देखेंगे सी ड्राइव यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाता है, लेकिन दोस्तों हमेशा हमारा जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप में सी ड्राइव ज्यादातर भरा हुआ रहता है वो एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन। लेकिन दोस्तों आपको अगर आपके पास सी ड्राइव में अगर ऐसा रेड टाइप का हो चुका है, स्पेस नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आपको ब्राउजर को आपको सिलेक्टेड करके सिंपली आपको जिस डिस्क में आपके बहुत ज्यादा स्पेस है उस डिस्क को आपको सिलेक्टेड करना है। और दोस्तों उसके बाद आपको सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक कर देना है। सिलेक्ट फोल्डर में जैसे हमने क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों आपको अवेलेबल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, आपको सिंपली इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक बेसिक सा जो कि सेटिंग। लेकिन दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड लोगों को वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमने GTA 5 गेम को परचेस किया हो, परचेस करने के बाद भी यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, स्पेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो स्पेस जो कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा दोस्तों। इसका दोस्तों ऐसा भी होता है GTA 5 गेम को अपने डाउनलोड में बैठा दिया हो उसके बाद ऑटोमेटिक GTA 5 गेम डाउनलोड होना स्टॉप हो गया है, इसके बाद या तो कट हो चुका है। तो ऐसे केस में सिंपली दोस्तों आपको इंटरनेट को आपको चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा ऐसा भी होता है कि इंटरनेट के बहुत ही स्लो हो जाने की वजह से दोस्तों आपके GTA 5 गेम को डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों सिंपली अपने गूगल पे आके इंटरनेट स्पीड टेस्ट बोल के सर्च करेंगे तो आपको first.com आपको साइट मिल जाएगा। first.com में जैसे अपने यहाँ पर सर्च करेंगे आपके इंटरनेट स्पीड कितना क्या है, टोटल सब कुछ जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इंटरनेट स्पीड भी आपके पास होना चाहिए GTA 5 गेम को डाउनलोड करने के लिए। अभी दोस्तों सब कुछ अगर ओके है, ठीक ठाक है, तो अभी मान लीजिए आपके GTA 5 गेम को डाउनलोड होना कम्प्लीट हो चुका है, इसके बाद आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली GTA 5 गेम को खेलने का बारी आ चुका है। ऐसे में दोस्तों अगर आपके GTA 5 गेम यहाँ पर अपने पीसी या लैपटॉप में रन नहीं हो रहा है, अगर नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में कैसे अपने GTA 5 गेम को कैसे अपने चला सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं भी GTA 5 गेम को जैसे फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने इंस्टॉल कर दिया हूं, फिर से मैंने GTA 5 को डाउनलोड किया, फिर मैंने चलाने की कोशिश किया, GTA 5 गेम नहीं चल रहा था गाइस। तो ऐसे में दोस्तों सिंपली मेरे पास ओनली यहाँ पर GTA 5 गेम ही था, यहाँ पर रॉकस्टार लॉन्चर नहीं था। तो बार बार मैंने यूट्यूब में काफी सारा वीडियो भी देख रहा था, लेकिन दोस्तों वो बोल रहे हैं इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, उस फाइल को डाउनलोड कीजिए। मैं इधर उधर किसी भी साइट से मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर गूगल पे गया। गूगल पे जाने के बाद सिंपली मैंने सर्च किया GTA 5 लॉन्चर। जैसे मैंने GTA 5 लॉन्चर सर्च किया और GTA 5 गेम लॉन्चर के साइट पे हमने गया और यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज में क्लिक करके GTA 5 गेम लॉन्चर को डाउनलोड किया और GTA 5 के लॉन्चर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जो भी अपना GTA 5 गेम के मैंने परचेस किया था वही जो आईडी पासवर्ड देखे GTA 5 गेम, तो लॉग इन किया और इंस्टॉल किया और ओपन में क्लिक किया तो लॉन्चर के साइट से ही मेरे को GTA 5 गेम रन हो गया ऑटोमेटिकली। तो मेरे को यहाँ पर कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर रॉकस्टार जो लॉन्चर गेम है अब ऑटोमेटिक अपना पीसी या लैपटॉप वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर GTA 5 गेम को वो रन करवा देता है। तो ये एक बहुत एक अच्छा जो कि रॉकस्टार गेम लॉन्चर के बहुत एक अच्छा काम है। लेकिन फिर भी अगर आपके GTA 5 गेम डाउनलोड होने के बाद भी अगर रन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में दोस्तों GTA 5 गेम को चलाने के लिए अपने पीसी या लैपटॉप में जो भी रिकमेंड होता है तो गैस वो आपको चेकआउट करना है। तो गैस मैं आपको बता दूं मेरे पीसी में कितना क्या रिकमेंड है ऑलरेडी। तो मेरे पास 4GB ग्राफिक कार्ड है, 8GB रैम है और उसके साथ 6 कोर 6 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। तो काफी आराम से यहाँ पर GTA 5 गेम भी चल जाता है और रिकॉर्डिंग भी बैकग्राउंड पे हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बात करूँ कि 4GB ग्राफिक कार्ड अगर आपके पीसी में है, इसके साथ अगर 4 कोर 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर भी है, उसके साथ 8GB 4GB अगर रैम भी है, तब भी काफी आसान से GTA 5 गेम चली जाएगा। जो भी गेम प्ले करना है सिर्फ
दोस्तों आपको ग्राफिक कार्ड का ही मेन जो कि काम है, ग्राफिक कार्ड तो अच्छा खासा होना ही चाहिए क्योंकि गेम पे अगर होगा तो ग्राफिक कार्ड का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन उससे भी दोस्तों आपको ज्यादा आपको जानकारी चाहिए कि GTA 5 गेम को बड़ा बड़ा जो भी गेम होता है वो रन करने के लिए अपने पीसी लैपटॉप में कितना क्या रिकमेंड होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी जिस गेम प्ले आप करना चाहते हो उसी गेम का ही साइट में ही वो लिखा रहता है, उसको आप सिंपली चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी कोई भी डाउट लग रहा है तो गाइस तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्टार्ट कर चाहते हो, वहां पर कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।